अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली फिटफाट होगी, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होगी जी। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। तो यहाँ जी मेरा बन रहा है नाश्ता, और नाश्ते में आज कुछ स्पेशल डिश बन रही है, तो वो आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। तो नाश्ता इसलिए चेंज किया क्योंकि बोर हो गए थे बच्चे भी और हम भी, एक ही चीज़ खाते खाते ब्रेड जैम, ब्रेड एग ऑमलेट वगैरह ये सब। तो यहाँ जी मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, वो भी नाश्ते में, वो भी बहुत यमी 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 से। तो जी पराठे मैं बना रही हूँ कुछ अलग-अलग स्टाइल में। तो किया मैंने ये है कि एक स्पून मैंने ऑयल लिया था, तो उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट एक चम्मच डाला, तो अच्छे से मैंने उसको फ्राई कर लिया, भून लिया जो भी समझे। तो बॉईल किए हुए पोटैटो मैंने उस पर ऐड किए हैं और अपने सारे मसाले, मसाले आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 1.5 किलो आप कह सकते हैं आलू हैं जिसकी रेसिपी है, तो मैं वही शेयर कर रही थी। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो अगर आप किसी और तरीके से बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में। तो अभी जी जब मैंने पूरा इसको भून लिया, तो एक खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया पराठों में। तो चलें जी अपने पराठे तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी तो जी ये रहा मेरा पराठा जो मैंने बनाया है। मैं पराठे इस तरीके से बनाती हूँ कि दो छोटी छोटी सी पेड़ियाँ ले लेती हूँ, उनको छोटा छोटा सा बेल लेती हूँ, और उसमें मैंने अपना मटेरियल ऐड कर दिया आपके सामने। अब मैंने जो दूसरा है रोटी जिसको बेला हुआ है थोड़ा सा, तो उसको अच्छे से मेरे हाथों को ज़रा इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, वजह यह है कि खाना बनाते हुए थोड़े से मस्सी हो जाते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने कर लिया है इसको अच्छे से गोल और प्रेस, दूसरी साइड पे भी करूँगी, और फिर इसमें थोड़ा सा ड्राई आटा यानी कि खुश्क आटा इसके ऊपर ऐड करके, तो फिर इसको बेल के, तो जी रोटी बन जाएगी, रोटी तैयार हो जाएगी, पराठा रोटी जो भी आप कह सकते हैं। तो मैंने बच्चों को ऊपर मक्खन लगा दिया था बेलन के साथ मैंने बेल के, तो ये देख यहाँ खाना शाना मेरा तैयार हो रहा है, सुबह का नाश्ता ही सॉरी। तो इसके बाद और भी बहुत सारे काम है, और सर्दी इतनी ज्यादा हो गई है और गैस बहुत कम आती है, गैस काफी कम होती है सुबह के टाइम भी और रात को भी, तो फिर बहुत ज़्यादा मसला मसाइल हो रहा है। चलें कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है जी। तो खाना शाना अपना खा लिया, तो फिर मैंने रूम को सेट किया है, आज दोनों बेड की बेडशीट भी चेंज कर दी। तो हाँ जी बच्चे खेल रहे हैं, दोपहर में खाना आज किसी ने नहीं खाया क्योंकि सुबह नाश्ते में हैवी थे पराठे, तो नाश्ता भी ऑलमोस्ट लेट ही होता है 10 साढ़े 10, इतना टाइम तो हो ही जाता है। तो आयान को भी मैंने पढ़ा लिया और बाकी घर के भी छोटे छोटे से काम मैंने कर लिए, कपड़े वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे। तो फिर सोचा कि चले जी आज पराठे का मटेरियल तो ख़त्म था, तो फिर सोचा कि चले जी शाम के लिए या रात के लिए जो भी आप समझ लें तो राइस बना लेते हैं। तो बस जी अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो बस
बैग से उन्हीं की आवाज़ें आ रही होंगी, उसके लिए सॉरी जी। तो अभी मैं राइस बना रही हूँ, राइस मैंने धो के रख दी है, और ये है मटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ पे मेरा मसाला जो भी मैंने ऐड करना है। यहाँ पे मैंने एक खाने का चम्मच मैंने आपको दिखाया है, जो चम्मच वही मैंने लिया है पेस्ट का। पेस्ट मैं बना के फ्रीज कर लेती हूँ, और एक क्यूब ले लेती हूँ, तो उसी से मेरा काम चल जाता है जी। तो यहाँ बनाते हैं अपने राइस, तो फिर आपसे मिलते हैं और अगले काम में। तो आज वैसे मैंने कपड़े तो वॉश कर लिए हैं, लेकिन मेरा आयरन करने का कोई मूड नहीं है। होप्स हो कि वो मैं कल करूँ या परसों, जो भी था, लेकिन परसों तक बात जाती नहीं है मेरी, कल तक ही रहेगी। क्योंकि मैं गर्मियों में तो ये होता है कि जिस दिन मैं करती हूँ कपड़े वॉश, उसी दिन मैं आयरन कर लेती हूँ, लेकिन सर्दियों में थोड़ा और सा ये मसला हो जाता है कि सर्दी होती है, तो फिर थोड़ी सी जिसको हड हरामी कहते हैं वो आ जाती है बॉडी में। तो जी खैर, करना तो है, कल क्या परसों क्या। तो यहाँ जी मैं बना रही हूँ चावल, तो चावलों में मैंने अपना मटर वगैरह भी ऐड कर दिए हैं, और मटर की भुनाई के बाद मैंने इसमें 2 चम्मच डाले हैं दही के। दही चावलों में ज़्यादा यूज़ नहीं करते, 2 चम्मच ही मैंने डाले हैं। तो इसी से बस फ्लेवर लाना था, क्योंकि टमाटर नहीं था, तो मैंने कहा चलें जी दही पड़ा तो वही ऐड कर लूँ। मामा तो मटर जब अच्छे से गल जाएंगे तो फिर चावल ऐड करने हैं। यहाँ देखें जी, मैंने आपको दिखाया है जिस तरह से मटर गले हुए हैं, तो अभी इस पोजीशन में हमने चावल को ऐड करना है। तो यहाँ जी मैंने चावल को कर दिया ऐड, और चावल में अभी बॉयल नहीं आया, बॉयल आएगा तो फिर इसका आपने नमक जो है वो चख लेना है। तो यहाँ जी मेरे राइस जो है वो अच्छे से कुक हो गए हैं, देखिए कितने खिले खिले से चावल हैं। तो जी आज का मेरा जो व्लॉग था वो यही था, आज की जो मेरी रूटीन थी बस वो यही थी। तो काइंडली अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और किचन देख लें जी, मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया हुआ है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ वो कपड़े जो मैंने सुबह वॉश किए थे। तो बस यहाँ लाइट मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, तो अब जी लाइट मैंने ऑन कर ली दूसरे भी। तो ये कपड़े मैंने वॉश करके अंदर ही डाले, इसमें कोई खास कपड़े नहीं है, बस बच्चों ने जो आज उतारे थे बस वही कपड़े हैं। तो जी चलते हैं जी, आपसे लेते हैं इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।